हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी सारी फिल्में जो कि साउथ की हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री की होने वाली हैं, जिनकी रिलीज डेट यानी कि OTT रिलीज डेट हो चुकी है कंफर्म पूरी तरीके से। और कौन सी फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, उस सब की बात करने वाले इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉल्टर विरैया, जिसके लिए भर भर के कमेंट आते थे। फाइनली अब ये फिल्म देखो आपको देखने को मिलने वाली है सोनी मैक्स, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट सोनी मैक्स वालों ने खुद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म की जो ऑफिशियली रिलीज डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अनाउंस होती हुई नजर आ जाएगी। और ये फिल्म आपको आने वाले संडे में 8 बजे देखने को मिलने वाली है, जो भी संडे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे दूसरी फिल्म जो होने वाली है भाई छत्रपति। छत्रपति फिल्म आपको बता दूं G5 पे आने वाली है, जिस फिल्म की रिलीज डेट रखी गई है 14 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई। लेकिन वही बात करेंगे द केरला स्टोरी की, जिस फिल्म को 14 जुलाई को G5 पे आना था, लेकिन अब ये फिल्म देखो 14 जुलाई को नहीं 21 जुलाई को आ सकती है, क्योंकि 14 जुलाई को छत्रपति आएगी तो ये 21 जुलाई को जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वरना तो ऐसा ही होगा कि छत्रपति 21 जुलाई को हो जाए और कश्मीर फाइल जो है ना, यानी कि केरला स्टोरी, सॉरी मैं कश्मीर फाइल बोल गया, ये आपको G5 पे 14 जुलाई को देखने को मिल जाए। तो इन दोनों फिल्मों में थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये दोनों फिल्में एक वीक के बाद दूसरे वीक में आने वाली है, यानी कि दोनों के बीच 7 दिन का गैप रहने वाला है दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है IB71, जिस फिल्म को भाई साहब जिस रिलीज डेट को मैंने बताया था 2 महीने पहले, वही रिलीज डेट निकल के आई, यानी कि 7 जुलाई को ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि कुछ भी इसमें नी संदेह था, यानी कि आप कह सकते हो जो रिलीज डेट एक बार में बता दी वो बता दी इस फिल्म के लिए। वहीं बात करने वाला हूं अब दूसरी फिल्म जो होने वाली है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, जो कि हाल फिलहाल में सिनेमा घरों में आई, ठीक ठाक चली, लेकिन भाई इंडिया में कहां खास कमाल दिखा पाई। लेकिन भाई ये फिल्म अब जल्द VOD पे आ रही है, यानी कि बुक माई शो, iTunes और भी काफी जगह ये आपको रेंट पे देखने को मिलने वाली है, जिस फिल्म को 11 जुलाई को इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु यानी कि 4 भाषाओं में स्ट्रीम किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही बात करूँ फास्ट टैक्स की, तो फास्ट टैक्स भी इंडिया में आ रही है फाइनली, USA प्रीमियर तो हो ही चुका है और मैंने आपको कहा था कि इसी जून के महीने में ये आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। तो इसकी रिलीज डेट आ चुकी है 29 जून। 29 जून को ये फिल्म आपको बुक माई शो यानी कि ये भी आपको वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलने वाली है, जहां आपको इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। जी और उसके बाद तो भाई देखो ये OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पे आएगी, जहां पर इसे लगभग 3 महीने लग जाएंगे, तो रेंट पे जो देखना चाहता है देख लेगा, वरना तो आप जानते हो क्या जुगाड़ करना है। वही बात करने वाला हूं अब नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिस फिल्म को मैंने आपसे कहा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये फिल्म 9 अगस्त तक आएगी, तो 9 अगस्त तक ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी, लेकिन इसका वीडियो ऑन डिमांड यानी कि ये फिल्म भी आपको वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट है 7 जुलाई। और ये फिल्म देखो हिंदी और तमिल तेलुगु में भी आ रही है इंग्लिश के साथ वीडियो ऑन डिमांड पे 7 जुलाई को, देन उसके बाद आपको 1 महीने रुकना है और 9 अगस्त तक ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल ही जाएगी। वहीं बात करूंगा द फ्लैश की, जो कि हाल फिलहाल में सिनेमाघरों में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं पर इसके शो अब भी चल रहे हैं। अब ये फिल्म देखो कब आ रही है, तो लोग काफी सारे कमेंट कर रहे थे, तो आपको तो इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो पहले VOD किया जाएगा, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड पे ये फिल्म आएगी, जिसकी रिलीज डेट हो सकती है अगस्त का फर्स्ट ऑफ वीक। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ वीक में ये फिल्म वीडियो ऑन डिमांड आ जाएगी, जहां पर ये फिल्म इंग्लिश के साथ हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना पैसा लेते हैं तो भाई हिंदी डब तो देते ही देते हैं, खासकर कुछ कुछ फिल्मों में होता है नहीं दे पाते, लेकिन भाई जब पैसा ज्यादा कमाना है तो देना ही होगा। वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली हिट द सेकंड केस, जिसके लिए भर भर के कमेंट आते थे, तो ये फिल्म भी आपको जल्दी सोनी मैक्स पे देखने को मिलने वाली है, जिस फिल्म को 9 जुलाई को, जी हाँ दोस्तों 9 जुलाई को स्ट्रीम किया जाने वाला, यानी कि सैटेलाइट प्रीमियर किया जाने वाला। मैं भी यार OTT की अपडेट देते देते स्ट्रीम बोलने लग गया यार। वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मोड़, पंजाबी फिल्म। ये मोड़ जो फिल्म है ना, वो आपको 2 महीने बाद देखने को मिलने वाली है अपनी रिलीज से G5 पे, यानी कि इसकी जो रिलीज डेट है वो है 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त तक ये फिल्म आपको G5 पे देखने को मिल पाएगी दोस्तों। वही बात करने वाला हूं मैं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भाई साहब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, और इस फिल्म की जो VOD है, यानी कि इस फिल्म को VOD पर रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको देखने को मिलने वाली है जल्द, यानी कि 8, जो आपको इंग्लिश तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और हिंदी में भी, ध्यान रखना। वही बात करने वाला हूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वीरन। वीरन एक तमिल फिल्म है, और ये देखो तमिल के साथ तेलुगु कन्नड़ा मलयालम में आ रही है Amazon प्राइम पे 30 जून को, यानी कि हिंदी में नहीं आ रही है। तो भाई अपडेट अब जितने भी लोग थे मेरे और भी ऑडियंस थे उन सबको मिल गई होगी, हिंदी वाले काफी ज्यादा नाराज हो गए होंगे। लेकिन वही बात करूंगा नेक्स्ट अपडेट जो होने वाली है धूमम, हाल फिलहाल में
रिलीज हुई ये फाद फासिल की फिल्म सिनेमाघरों में ठीक ठाक नहीं चल पाई। जैसा इसका भाई साहब सनसनी खेस वगैरह बनाई जाए थी फिल्म धमाकेदार होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये फिल्म देखो वैसे भी मलयालम और कन्नड़ा भाषा में आपको 21 जुलाई को अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख के खुद ही बता सकते हो फिल्म कैसी बनी है। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की बवाल फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जिसकी रिलीज डेट हो चुकी है अनाउंस ही मीडिया हाउस उसकी तरफ से जो है 27 जुलाई को ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नई फिल्म है, सीधी OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। वहीं बात करने वाला हूँ भाई साहब नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है आदि पुरुष। जिस फिल्म के राइट अभी अमेजन प्राइम को 190 करोड़ के आसपास बेचे गए, लेकिन ये राइट भी अब अमेजन प्राइम नहीं ले रहा है। उसने कहा है कि भाई बॉक्स ऑफिस में बजट कंप्लीट नहीं कर पा रही और ये डील टूटती हुई साफ साफ नजर आ रही है। तो ये फिल्म वैसे तो 8 हफ्ते बाद अपने रिलीज के 8 हफ्ते बाद अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली थी, जहां पर ये सारी भाषाओं में आती, लेकिन अभी तक ये डील ही कन्फर्म नहीं हो रही है भाई साहब। हाँ यानी कि हो गई थी कन्फर्म, लेकिन भाई साहब अब अमेजन प्राइम वाले पीछे हट चुके हैं। जैसे ही भाई कन्फर्म होगी रिलीज डेट हम आपको फिर से आपको बता देंगे। वहीं बात करूँ नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है शुभ यात्रा। देखो गुजराती मूवी जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट पहले भी दी थी, तो ये फिल्म आपको 8 जुलाई को देखने को मिलने वाली है सिमाड़ू मी गुजराती के प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप इसे देख लोगे 8 जुलाई को। तो यही थी वो फिल्म जिनकी OTT रिलीज डेट हो चुकी है कंफर्म। इनमें से कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार कमेंट में जरूर बताएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप भी और फिल्मों की अपडेट चाहते हो तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा आपके।